सब्सक्राइब कीजिए कंस्ट्रक्शन होम चैनल को और बेल आइकॉन दबाए ताकि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंस्ट्रक्शन होम में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीरियर डिजाइन के बारे में रहने वाला है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जब भी आप टीवी खरीदने जाते हो उस वक्त आप जान लेते हो उस टीवी के ब्रांड के बारे में, उस टीवी के क्वालिटी के बारे में और उसी तरह जान लेते हो फीचर्स के बारे में। लेकिन जब भी आप टीवी खरीदते हो और एक्चुअल में अपने घर में फिटिंग करते हो उस वक्त आपको जानना जरूरी होता है कि जो भी हमारा टीवी है उसे हमें कितने हाइट पे फिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, उसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा आई लेवल, यानी जहाँ पे बैठ के आप टीवी देखने वाले हो, क्योंकि हमारा जो आई लेवल है वो हमारे टीवी के सेंटर में होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि जब आपका टीवी का जो सेंटर है वो आई लेवल के हिसाब से नहीं होगा तो आपको टीवी देखने में तकलीफें हो सकती है। वो टीवी के जो रिजोल्यूशन है वो आपको प्रॉपरली देखने में नहीं मिल सकते। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं पूरा डिटेल्स में। आपको सबसे पहले जान लेते हैं हमारे आई लेवल के बारे में कि हमें आई लेवल किस तरह से निकालना है। यहाँ पे हमने ड्राइंग बनवाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा है चेयर यानी सोफा। उसी के साथ यहाँ पे हमने टीवी का अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे हमारा है ग्राउंड लेवल यानी फ्लोर लेवल। यानी फ्लोर लेवल से जो आप सोफे पे बैठने वाले हो उस सोफे का हाइट लगभग हमने 18 इंच लिया है। ये जो हाइट है वो हमने स्टैंडर्ड हाइट लिया है। इसमें कुछ 1-2 इंच का डिफरेंस रह सकता है। और जब आप सोफे पे बैठते हो वहाँ से आपका जो आई लेवल है वो लगभग 24 इंच का रहता है। यानी हमारा जो आई लेवल है वो है 24 इंच प्लस 18 इंच इज इक्वल टू 42 इंच। ये रहा हमारा आई लेवल और उसी हिसाब से हमें टीवी का सेंटर अरेंज करना है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए टीवी लिया है 15 का और इस टीवी के लिए हम हाइट निकाल लेते हैं। तो हमारा जो टीवी का हाइट है वो है 24 इंच। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आई लेवल हमारा कितना है 42 इंच है। टीवी का साइज कितना है 50 इंच है। आपको जो बताया जाता है टीवी का साइज वो क्रॉस साइज बताया जाता है और हमारा जो टीवी का जो हाइट है वो है 24 इंच। और हमें टीवी का सेंटर निकालना है क्योंकि हमारा जो आई लेवल है वो हमें टीवी के सेंटर में होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हमें टीवी का सेंटर निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 24 इंच डिवाइडेड बाय 2 यानी हमारा जो टीवी का सेंटर है वो है 12 इंच। और उसी 12 इंच को हमें माइनस करना है हमारे आई लेवल से। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा आई लेवल और इसी ये आई लेवल जो है वो है फिनिश्ड फ्लोर लेवल से 42 इंच। हमें 42 इंच से माइनस करना है हमारे टीवी का सेंटर यानी 42 इंच माइनस 12 इंच। हमें मिला आंसर 30 इंच यानी हमारा जो 30 इंच जो है वो रहेगा हमारे टीवी का बॉटम यानी हमारे फिनिश्ड फ्लोर लेवल से यानी ग्राउंड लेवल से आपको 30 इंच रखना है हमारे टीवी का बॉटम। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने टीवी का हाइट। यदि आपका टीवी 24 इंच का हो, 32 इंच का हो, इसी तरह आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे टीवी की हाइट देखनी है, उसका सेंटर निकालना है और उसे आपको माइनस करना है हमारे आई लेवल से। और आई लेवल निकालने के लिए आपको जानना है हमारे सोफे का हाइट और वहां से आपको 24 इंच डालना है जो कि हमारा आई लेवल रहता है हमारे सोफे के ऊपर से। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।